दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज हम बात करेंगे क्या हमारे देश का कानून, हमारे देश की अदालतें सरकार की गुलाम बन चुकी हैं? क्या सरकार की मुट्ठी में हैं? जो सरकार कहेगी वही हमारे देश का कानून करेगा, वही हमारे देश की अदालतें फैसला सुनाएंगी। आज हम बाबरी मस्जिद के केस पर बात करेंगे। इसके अलावा हाथरस के अंदर जो ड्रामा चल रहा है इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ मीडिया की भी थोड़ी सी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मीडिया ने अपना रंग थोड़ा सा बदल दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबरी मस्जिद केस की। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद केस के जो आरोपी थे उन लोगों को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने रिहा कर दिया, जबकि आरोपी खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो क्लिप आई हैं जहां पर आरोपी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, बाबरी मस्जिद को गिराने में तोड़ने में उनका हाथ है, लेकिन फिर भी सीबीआई की स्पेशल अदालत ने उन सारे लोगों को रिहा कर दिया। काफी सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि बाबरी मस्जिद जो है वो जादू से गिर गई फिर, और काफी लोगों ने कहा कि भूकंप आया था क्या, भूकंप की वजह से गिर गई। इसी को लेकर बॉलीवुड की अभिनेत्री सौरा भास्कर, उन्होंने भी ट्वीट किया तंज कसा सरकार के ऊपर, सीबीआई की स्पेशल अदालत के ऊपर, कि बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गया था। मतलब एक तंज कसा जो उन्होंने आरोपियों को बरी कर दिया, तो क्या बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गया था? इसके अलावा एक और अभिनेत्री है ऋचा चड्ढा, उन्होंने भी तंज कसते हुए कहा इस जगह से ऊपर भी एक अदालत है, यहाँ देर है अंधेर नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो आप अपनी अदालतों के फैसले सुना देते हो अपनी मर्जी से, लेकिन इसके ऊपर भी एक अदालत है जहां पर आपका फैसला नहीं चलेगा। वहां पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, फैसला जरूर होगा। तो ऋचा चड्ढा ने यह बात कही, बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है। अब चलते हैं हाथरस वाले केस पर। हाथरस वाले केस पर सबसे पहले आप लोगों को विराट कोहली का एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं। बॉलीवुड हुआ या फिर क्रिकेट जगत हुआ, ये लोग भी अच्छे से समझते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था किस तरीके की है, हमारे देश की सरकारें किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन ये लोग सेलिब्रिटी होते हैं तो आवाज नहीं उठा पाते। तो विराट कोहली ने भी बड़ा गुस्से में एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ है ये बहुत ही खतरनाक था, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी जो केस हुआ है। तो ऐसे में जो है जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए मनीषा को। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मनीषा के केस में हमारे देश की सरकारें राजनीति कर रही हैं, पुलिस प्रशासन किस तरीके से सरकार के दबाव में आकर अपना काम कर रहा है। उधर डीएम साहब की भी कुछ क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो पीड़ित परिवार को ही सताते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक मोड़ और आया है इस केस में, बीजेपी के पूर्व एमएलए राजवीर, उन्होंने एक और अजीब गरीब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मनीषा की जो मौत हुई है वो उसके भाई ने और उसकी माँ ने उसे मारा है, जो चार आरोपी हैं वो बिल्कुल एकदम निर्दोष हैं। आपको बता दें कि मनीषा वाल्मीकि है, नीची जात की है, और वो जो लोग हैं वो ठाकुर हैं, ऊंची जात के हैं, जो चार आरोपी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके समर्थन में भी भीड़ इकट्ठी हुई, निर्दोष लोगों के लिए भी एमएलए साहब ने भीड़ इकट्ठा कर ली, और पंचायत करने की कोशिश की जा रही है कि पंचायत करके कैसे कैसे इस मामले को सुलझा लिया जाए। आप लोगों के सामने लगातार मीडिया के जरिए तस्वीरें आती होंगी, दो दिन से तो मीडिया को वहां पर जाने ही नहीं दिया था। लेकिन सलाम करते हैं एबीपी न्यूज को, जिस तरीके से प्रतिमा मिश्रा ने और एबीपी न्यूज की टीम ने जद्दोजहद करके गांव के अंदर एंट्री ले ली। अब दिखाइए मीडिया ने अपनी असली ताकत, ये है मीडिया की असली ताकत। अब यहां पर एबीपी न्यूज को एक बात समझनी पड़ेगी कि अच्छे काम के लिए अगर इन्होंने आवाज उठाई है, तब देखिए इनकी टीआरपी कहां से कहां पहुंच गई। इनकी टीआरपी एबीपी न्यूज की बहुत ऊपर है, इस वक्त सबसे आगे चल रहा है एबीपी न्यूज। अच्छे काम की भी सराहना होती है, आप लोग दलाली करके उल्टी सीधी खबर चला के टीआरपी में आगे निकलना चाहते हैं, ऐसे में आप लोगों को सिर्फ गालियां ही मिलती है। आपने अच्छा काम किया उसके बाद भी आपकी टीआरपी इतनी आगे है और आपको लोग दुआएं दे रहे हैं, आपके काम की लोग सराहना कर रहे हैं। तो हमें यहां पर मीडिया की सराहना करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया को अभी भी एक्सपोज करने में लगे हैं और कह रहे हैं कि टीआरपी का खेल है मीडिया। भले ही टीआरपी का खेल है, लेकिन अगर मान लो वहां से मीडिया हट जाता, ये मीडिया इतनी जद्दोजहद नहीं करता, तो शायद मनीषा को इंसाफ नहीं मिल पाता, मनीषा का केस जैसा था वैसे ही दब जाता। आप लोगों के सामने जो चीजें दिख रही हैं आज पूरे देश में, जो कुछ भी दिख रहा है ना, मनीषा के लिए आवाज उठ रही है वो मीडिया की वजह से ही उठ रही है। मीडिया के पास इतनी पावर है कि अच्छे अच्छों का वो पजामा गीला कर सकती है। तो अब मीडिया ने अपनी पावर दिखाना शुरू करी है, उम्मीद करते हैं कि मीडिया ऐसा ही अपना काम जारी रखे। तो यहां पर मीडिया के लिए एक बार ताली तो बजाना।